हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साथ एक विजय देसाई जी की प्रॉब्लम के साथ। बेसिकली उनके पास एक बिलिंग का पीरियड है, उस बिलिंग पीरियड को यहाँ पे वो बिल पे शो करना चाहते। तो मान लीजिए उनके कई 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 सारे पॉसिबिलिटीज होगी, तो उन्होंने मान लीजिए बिलिंग साइकिल ले लिया कि 1 तारीख से लेके 31 जनवरी तक है, 31 जनवरी तक है। तो इनको कैसे शो करेंगे? तो इनके लिए बेसिकली और इस तरह से यहाँ पे इसको कंबाइन करेंगे कि 2 लगा दे यहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो डेट जो है ना, डेट फॉर्मेट में ही आएगा, किसमें आएगा, इस तरह के नंबर में। मान लीजिए स्टार्ट डेट डाल दिया और बोल दिया कि भाई महीना होना चाहिए 3 महीने का, या ईयर होने चाहिए 5 ईयर का। तो स्टार्ट डेट से ऑटोमेटिक वो 3 महीना ले ले या 5 साल ले ले, और यहां पे वो डेट दिखा दे। कैसे दिखेगा डेट, इसके बारे में हम बताएंगे अभी। बस 2 मिनट आप एक जान लीजिए कि मेरी एक मोबाइल ऐप भी है, जहां पे मेरे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए जा सकते हैं प्ले स्टोर में, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। जी हाँ, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च कीजिए, मेरा इस तरह का लोगो आएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर स्टोर में बहुत सारे कोर्सेज की वीडियोस दिखेंगे, फ्री कोर्स कंटेंट दिखेंगे, टेबल भी दिखेंगे, तो दोनों आप वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा आप जूम के साथ हमारी क्लास लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। उसके लिए आप अपनी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे आप जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लाइव क्लासेस दिखेगा, लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो लाइव क्लास पे क्लिक करते ही आपको मेरी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दिख जाएंगे। कोर्सेज को देख के साथ में बुक डेमो क्लास करके, डेमो क्लास बुक कर दीजिए ताकि आप मेरे साथ जूम के पे डेमो ले सकते हैं। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूँ, चलता हूँ वापस अपने प्रॉब्लम पे। तो अगर आप स्टार और एंड डेट डाला हुआ है तो यहाँ पे आप लगाइए टेक्स्ट का फॉर्मूला। जी हाँ, टेक्स्ट, जिसमें आप DDD/MMM/YY कर दीजिए। और इन्वर्टर कमांड क्लोज कीजिए और सामने दोनों डेट को कर दीजिए। जो फॉर्मेट चाहते हैं वो फॉर्मेट में दे सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की वीडियोस को देखेंगे तो आपको और समझ में आएगी। तो दोनों तरफ मुझे करना पड़ेगा, यहाँ भी DD/MMM/Y जो फॉर्मेट करते हैं, यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा छोटा कर दे या कॉलम को बड़ा कर लें तो पूरा दिख जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए मंथ है, ये तो हो गई एक एग्जांपल जिसमें आप टेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर लिए। दूसरा आता है कि मान लीजिए महीना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है EO month, यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे month 3, 3 मंथ को सेलेक्ट कर देंगे तो इस तरह आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए आगे अप्रैल, 30 अप्रैल, लेकिन यहाँ पे -1 कीजिए कि 3 महीने है तो 31 मार्च आएगा, तो 1 माइनस करना होगा। 31 मार्च तो एंड आया ना, तो इसको कंबाइन करने के लिए मैंने जो तरीका बताया था लास्ट वाला टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर, जो हमने J2 सेलेक्ट किया था, इस J2 के अंदर आप डाल देंगे EO month में आप स्टार्ट मंथ डाल दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और कॉमा इसमें 3 - 1 month कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1 जनवरी से 31 मार्च। आपका ईयर है तो यहाँ आप जो है ईयर को सिलेक्ट कर, स्टार्ट डेट तो सेम रहेगा, यहाँ जो L14 में जो डाला है L14 के जगह पे यहाँ हम डालेंगे देखिए 5 × 12 - 1, ये देखिए आपके सामने ईयर आ जाएगा।
इसको सेम आप वीवीए प्रोग्रामिंग में भी डाल सकते हैं, अगर वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर बिल एडवाइस कर रहे हैं तो। लेकिन वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू डालना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप विजय जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जूम पे मेरे साथ क्लासेस ले सकते हैं या फिर मेरे रिकॉर्डर कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, जिसकी ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी ऐप लिंक दिया गया है। थैंक यू।